मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही बजट सत्र अपनी तय अवधि से 6 दिन पहले ही समाप्त हो गया। वहीं मंगलवार को सदन में बजट भी पारित हो गया है। इससे पहले स्पीकर गिरीश गौतम के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस के बाद स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 27 मार्च की तारीख दी थी। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति दर्ज करते हुए इसे नियम के विरुद्ध बताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों का जायजा लेने के लिए विदिशा पहुंचे। पटवारी खेड़ी गांव में सीएम शिवराज किसानों के साथ खेत में बैठकर फसलों का निरीक्षण करते नजर आए। इस दौरान सीएम शिवराज ने किसानों से कहा कि चिंता मत करें, मैं हूं, सर्वे करवाया जा रहा है, जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। 50% से ज्यादा जिन फसलों में नुकसान है हम किसानों को 32,000 रुपए प्रति हेक्टर की दर से राहत की राशि देंगे। तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है, राहत की राशि है। ये राहत की राशि अलग होगी। फसल बीमा योजना की कार्रवाई तत्काल प्रारंभ करके इस राहत के बाद फसल बीमा योजना भी दिलवाऊंगा। नेता नहीं, किसान है, शिवराज सिंह चौहान है। और दोनों मिला के आपका जितना नुकसान है उसकी भरपाई कर देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आंखों में आंसू मत लाइए। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। इन मांगों को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इसके बाद मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 1 जून से सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए कैशलेस व्यवस्था लागू होगी। स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, जीएसटी, 20 सूत्री कार्यक्रम, इन विभागों के मांगों के संदर्भ में चर्चा हुई और पास हुए। महत्वपूर्ण एक बात जो रुचिकारक भी है कि 1 जून से छत्तीसगढ़ में सभी सरकारी अस्पतालों में कैशलेस व्यवस्था लागू हो जाएगी। किसी भी मरीज को ओपीडी, आईपीडी, डायग्नोस्टिक्स या अन्य खर्च में एक भी पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। वो एक्सरे हो, सीटी स्कैन हो, दूसरी व्यवस्थाएं हो, आयुष्मान कार्ड अलग चलेगा, नगद राशि एक पैसा भी नहीं लगेगा। ओपीडी इत्यादि में जो लगता था पैसा, आईपीडी में जो लगता था पैसा, वो नहीं लगेगा। छत्तीसगढ़ में बीजापुर के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। एक महिला नक्सली को पुलिस ने मार गिराया। मुठभेड़ के बाद इलाके की सर्चिंग में पुलिस को नक्सलियों के हथियार और नक्सली सामान मिला। हालांकि नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल को नहीं हुआ कोई नुकसान। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की रविशंकर यूनिवर्सिटी कैंपस में युवक के स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस ने स्टंटबाज युवक को पकड़कर कड़ी कार्रवाई की। गौरतलब है कि 3 युवक एक स्कूटी पर युवक को लटकाकर स्टंट कर रहे थे। उन नौजवानों के साथी ने पूरे स्टंट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर लोड किया। पुलिस ने सभी युवकों को गिरफ्तार कर लिया। राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय खिलाड़ियों ने अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों की मांग है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में पिछले कई सालों से लंबित उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा नहीं हुई। साथ ही राज्य सरकार ने राज्य खेल अलंकरण समारोह भी आयोजित नहीं किया। खिलाड़ियों की मांग है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द राज्य खेल अलंकरण की घोषणा कर उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित करे। मध्य प्रदेश में पिछले 15 मार्च से महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी, सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई है। आशा कार्यकर्ताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल से बैठने पर शिवराज सरकार की महत्वपूर्ण योजना लाडली बहना योजना बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। रायपुर नगर निगम पहली बार 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी करने जा रहा है। इसके लिए साल 2023 का बजट पेश करते महापौर एजाज डेबर ने ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ का पहला नगर निगम रायपुर ही होगा जो ऐसा करने जा रहा है। 200 करोड़ के बॉन्ड जारी होने से शहर के लोगों का निवेश नगर निगम में होगा और इस निवेश के बदले नगर निगम लोगों को ब्याज देगा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में सोमवार को भी ओलावृष्टि और बारिश हुई। छतरपुर के बड़ा मलहरा, राजगढ़ और सागर में जमकर ओले गिरे।
सागर में तो खेतों और सड़कों पर सफेद चादर बिछ गई। वहीं मुरैना के अंबाह में बिजली गिरने से युवक की मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार 23 मार्च से बारिश का नया सिस्टम बनने जा रहा है। इस सिस्टम से प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में ज्यादा बारिश रहेगी। Oh, 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 oh